दिल्ली के रनवे पे जब मेरी फ्लाइट टैक्सी कर रही थी, तब मैंने डिसाइड किया था कि मैं पूरी फ्लाइट सोऊंगा, और टाइम लैप्स के लिए मैंने गोप्रो लगा दिया था, गोप्रो पे शेड्यूल कर दिया था मैंने टाइम लैप्स, ताकि मेरे नींद में भी गोप्रो शूट कर ले सब कुछ। बट सडनली जब मैं उठा तो मैंने देखा कि गोप्रो स्टार्ट नहीं किया रिकॉर्डिंग, देन आई रियलाइज्ड कि उसमें दुबई का टाइम सेट था और मैंने इंडियन टाइम के हिसाब से उस पर टाइमर लगाया था। और मुझे इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है जो कि ये सनराइज मिस करके सो रहे हैं, कि द व्यू वॉज सो सरियल, इतना ज्यादा अच्छा व्यू लग रहा था देख के सनराइज वाला, दैट आई डिसाइडेड टू नॉट स्लीप एंड इंस्टेड वर्क। मैं वीडियोज एडिट करने लगा, और क्योंकि मैं दो रातों से सोया नहीं था तो मेरी आंखें जल रही थी, इसलिए आई यूज द सनग्लासेस ताकि मेरी आंखों में जलन थोड़ा कम हो जाए। और फाइनली रांची को ऊपर से देख के जो अच्छी वाली फीलिंग आई है ना, आई कांट टेल यू। एंड इट्स ऑल्सो बिकॉज रांची इज द प्लेस वेयर आई स्टार्टेड माई ट्रैवल जर्नी, लाइक मेरी पहली फ्लाइट लाइफ की रांची एयरपोर्ट से थी। थैंकफुली यहाँ पे एरो ब्रिज प्रोवाइड किया गया था इंडिगो से। और जो भी कह लो, फ्लाइट जर्नी में सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब आपको कन्वेयर बेल्ट पे आपका बैग दिखता है।